हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टडी की, और इस चैप्टर के में हमने स्टडी की कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो हमने स्टडी की थी, कोऑर्डिनेट सेंट्रल मेटल एटम और आयन, देन लिगेंड्स क्या होते हैं, इट्स क्लासिफिकेशन, देन आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड काउंटर आयंस। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या होती है कोऑर्डिनेशन स्पेयर की? द सेंट्रल आयन और सेंट्रल मेटल एटम दोनों सेम है, एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट व्हिच इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कि जब एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन को, साथ ही लिगेंड को, एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो इसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहा जाता है। दूसरा क्या होता है? काउंटर आयंस। द आयनोजेबल ग्रुप रिटर्न आउटसाइड द ब्रैकेट इज नॉन एज काउंटर आयंस। कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो आयन जुड़ा होता है, इट मीन ये कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे जो चार्ज होता है उसको बैलेंस करने वाले आयन को हम क्या कहते हैं? काउंटर आयन। काउंटर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है तो काउंटर आयन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव होती है तो काउंटर आयन नेगेटिव होगा, और अगर काउंटर आयन पॉजिटिव होता है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव होगी। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेकर इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एग्जाम्पल वन, K4FeCN6। एक एग्जाम्पल लिया है जिसका कॉमन नेम है पोटेशियम फेरो साइनाइड। अब इसमें हमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर और काउंटर आयन दोनों को अलग अलग लिखना है। देखो डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि सर कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होती है, कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगेंड को अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया, यानी बंद कर दिया जाए, तो इसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहेंगे। तो हमें पता है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, इसमें Fe, और साथ में से अटैच आयन और मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिगेंड, और इसे अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दे तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो हमें पता लग गया कि सर FeCN6 वाली जो स्पीसीज है ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगी। साथ ही हमने क्या कहा कि काउंटर आयंस में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है तो देखेंगे। द आयनाइजेबल ग्रुप यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो आयोनाइज हो जाए, यानी कि एक कैटायन बनाता है, एक एनायन बनाता हो, आउटसाइड द ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, इट मींस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर वाला कोई आयन होगा, नॉन एज काउंटर आयन, उसे हम काउंटर आयन बोलेंगे। देखो इसमें काउंटर आयन लिखना है और हमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखना है। सो इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो पहला हमें दिखता है वो हमें होता है पॉजिटिव और बाद में आता है नेगेटिव। तो हमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो हो गई स्क्वायर ब्रैकेट वाला, और काउंटर आयन हो गया आपके पास बाहर वाला। तो काउंटर आयन तो क्या हो गया आपके पोटेशियम, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या हो गया आपके पास FeCN6 वाला। इन दोनों को हमें लिखना है तो सेपरेट करके लिख लेते हैं। देखो पहले आपको काउंटर आयन दिख रहा है तो इसे लिख देंगे Ci, एंड दास आपको क्या लिख रखा है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर Cs। तो काउंटर आयन क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको आगे लाएंगे 4, और जो आयन का नेम है उसे हम लिख देंगे पोटेशियम के। ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिख देंगे साथ ही। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाहर कोई भी स्पीसीज नहीं है तो छोड़ दिया अपन ने, बाहर लिखा FeCN6। अब चार्ज फाइंड आउट करना है कि कितने नेगेटिव होंगे। हमें पता है कि कोई भी एक आयनिक कंपाउंड में जो चार्ज होते हैं एक दूसरे के पास क्रॉस में होते हैं। तो देखिए पोटेशियम पे चार्ज कितना था, कि सर इसके नंबर एक था इसलिए हमने लिख लिया पोटेशियम पे एक चार्ज। ऐसे इसके स्टाइक्योमेट्री क्या है, एक, तो हमने एक लिख दिया। इस पे चार्ज कितना होगा, नेगेटिव, लेकिन कितने, वो पोटेशियम के पास मिलेगा। पोटेशियम के नंबर कितने हैं, चार, यानी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, चार, तो हमने इसको लिख दिया 4 और ये नेगेटिव। सो 4 के पॉजिटिव यानी 4 पोटेशियम आयंस, तो काउंटर आयन हो गया, और
इधर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गई, एग्जांपल आपके समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए CO EN thrice twice SO4 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीसीज है वो तो हो गई आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीसीज तो क्या जाएगी, और इसमें क्या क्या होता है, जो पहला दिखता है वो तो हमारे पास होता है सेंटर मेटल एटम और आयन, और उससे अटैच मॉलिक्यूल और आयन क्या होगा आपके पास, लिगेंड। और उसके आउटसाइड जो एलिजिबल स्पीसीज होती है उसे हम बोलेंगे काउंटर आयन। तो क्लियर है कि सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और बाद में क्या दिख रहा है हमें, काउंटर आयन। तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे सर, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उसमें फर्स्ट तो पॉजिटिव होगा और बाद में नेगेटिव, यानी कि कैटायन होगा और बाद में एनायन होगा। तो हमने पहले क्या किया कि जो हमें दिख रहा है उसे हमने लिख लिया इस कंपाउंड में। पहले क्या दिखा आपको कि सर पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही क्या हमारे पास, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो हमने लिख दिया कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और बाद में क्या हमारे पास बचा अपने, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और बाद में बचा काउंटर आयन CI। तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको हम एज इट इज कॉपी करते हैं, पहले इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं, दो आगे लिए है, और इस आयन कैटायन को एज इट इज लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर में CO EN थ्राइज। अब कितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी देख लेते हैं। इसका पॉजिटिव चार्ज कहां स्पेयर को होगा, काउंटर आयन के पास, क्योंकि नंबर कितने हैं आपके पास, तीन, तो हमने लिखेंगे 3 और लिख दिया पॉजिटिव। अब काउंटर आयन को लिखते हैं, काउंटर आयन कितने हैं, 3, तो 3 की जगह 3 लिख दी स्टोइकोमेट्री, और सल्फेट के हम जगह सल्फेट लिख देते हैं। सल्फेट पे हमें वैसे भी पता है कि सर दो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसको वैसे ही बता देते हैं हम आपको कितना होगा। सर एक नेगेटिव का चार्ज किसके पास क्रॉस होता है, पॉजिटिव स्पेयर के पास है, तो इधर कितने हैं आपके पास, 2, तो हमने लिख दिया 2 और इधर लिख दिया नेगेटिव। तो ये तो हो गया आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और ये हो गया आपके पास काउंटर आयन। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए नाउ एग्जांपल थर्ड, PtNH3 twice H2O twice Cl2। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, काउंटर आयन क्या है। नाउ एग्जांपल 3, एग्जांपल राइट कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड काउंटर आयन क्या है, पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर है या काउंटर आयन है। हमने देखा कि सर सबसे पहले जो आता है वो कैटायन होता है, बाद में आता है वो एनायन होता है। अब हमने कैसे पहचाना कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, तो जस्ट अभी पढ़ा था कि सर एक सेंट्रल एटम, मेटल एटम और आयन को और लिगेंड को जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो सर स्क्वायर ब्रैकेट तो ये रहा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आपके क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और आयनाइजेबल ग्रुप जो आउटसाइड होता है ब्रैकेट के वो हो गया आपके काउंटर आयन। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, हमने लिख दी कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके काउंटर आयन। तो देखिए इसकी एज इट इज कॉपी किया अपन ने, इस पे कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बाहर नहीं, तो एज इट इज कॉपी कर लो, होता तो उसे पहले लगा देते हैं PtNH3 ट्वाइज H2O ट्वाइज Cl2, सॉरी लिख दिया एज इट इज। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सर ये कैटायन होगा, बिल्कुल कैटायन होगा, क्या चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा, तो सर इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका चार्ज होगा, तो 2 लिख दिया हमने, तो 2, और ये कैटायन है तो हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अब लिख लिया हमने क्लोरीन, ये काउंटर आयन है, तो क्लोराइड आयन है, इसको हमने क्या किया, सीधे से 2 आगे लिया इसके कोएफिशिएंट फेक को, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, और सीधे किसने लिख दिया Cl। अब नेगेटिव चार्ज कितना होगा, हमें पता है कि क्लोराइड आयन पे कितना नेगेटिव है कि चार्ज होता है, लेकिन बता दें इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो हमने इस पे लगा दिया 1 नेगेटिव चार्ज। तो इस कंपाउंड में हो गया आपके पास एग्जांपल में कि ये तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गई और ये आपका काउंटर आयन हो गया। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इट मींस कि एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है वो कितने लिगेंड से कनेक्ट होता है,
उस लिगेंड की डेंटिसिटी कितनी है, डेंटिसिटी का मतलब उस लिगेंड में कितने डोनार एटम प्रेजेंट है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड बनते हैं उसके नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसे कैसे निकालते हैं वो भी बोलते हैं। इसे निकालने का एक फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड मल्टीप्लाई डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है इसकी, वैसे हमने आपको समझा दी, इंग्लिश में देखें, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यानी कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम विद द लिगेंड्स, कि लिगेंड्स के साथ जो सेंट्रल मेटल एटम है कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, वो इसी के नंबर क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो फॉर्मूला भी जस्ट हमने आपको बताया था अभी जस्ट, कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम दैट इज नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स। एक एग्जांपल लें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दैट इज कोबाल्ट H2O6Cl3। अब इसका सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, तो हमने लिख दिया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। नाउ नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं स्पेयर में, एक्वा यानी H2O कितने हैं, 6 लिख दिया। फिर क्या है, मल्टीप्लाई डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड में कितने डोनर एटम है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड है, इसके अकॉर्डिंग तुमने कहा कि H2O एक मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड में आता है, तो सर मोनोडेंटेड है तो हमने एक लगा दिया मल्टीप्लाई में, तो टोटल कितने हो गए, 6। सो द 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल ले, एग्जांपल 2, CO NH3 thrice NO3 thrice। देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में ओनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, काउंट्राइन है नहीं, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, कि कितने लिगेंड्स के इसमें आपके सेंट्रल मेटल एटम ने कोऑर्डिनेशन इंक्रीज कर रखा है। हमने देखा कि सर सबसे पहले लिखा है हमने कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, तो हमने लिख दिया कोबाल्ट। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स देखते हैं सबसे पहले आपको सर, यहाँ तो 3 लिगेंड NH3 है और 3 ही लिगेंड आपके NO3, तो हमने भैया दोनों को अलग अलग बात करनी पड़ेगी। NH3 कितने हमारे पास, 3, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कैसा लिगेंड है सर, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड में आता है, तो डेंटिसिटी कितनी होगी इस लिगेंड की NH3 की, 1। फिर अगला जो लिगेंड उसके लिए प्लस लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं कितने हैं NO3 सर, 3, तो हम लिख देंगे 3। और कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, तो नेगेटिव से हमें 4 से मतलब नहीं है, डेंटिसिटी बतानी है, तो सर NO3 मोनोडेंटेड लिगेंड में आता है, इसे मल्टीप्लाई कर दी। और अब ने क्या किया इसके साथ, टोटल कितना आ गया, 3 × 1 + 3 × 1 = 3, टोटल कितना आ गया, 6। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, कोबाल्ट का 6। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और, नाउ एग्जांपल 3, NiCO4। देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन इसमें आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है, हमें काउंट्राइन से कोई मतलब नहीं है, ओनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको देखना है कि कितने लिगेंड हैं और क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन हो गया आपके पास, निकिल। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकिल क्या बन गया, फॉर्मूला क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इसकी जगह लिख दिया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकिल। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं सर, 4, मल्टीप्लाई डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। वी नाउ कार्बोनिल किस टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंटेड, और कहां आता है, न्यूट्रल में, हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ा था, तो लिख दिया मोनोडेंटेड, ओनली डेंटिसिटी बतानी है, तो सब 1 इक्वल टू क्या जाएगा, 4। तो निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। नेक्स्ट एग्जांपल, ये मत समझो कि ये 6 ही आता है, 4 ही आता है, ये 3 भी आता है,
ये चार आता है, छह आता है, ये पांच भी आता है, दो भी आता है, क्लियर? नाउ अब पांच वाले के एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एफ ई सी ओ फाइव, देखिए एग्जांपल है एफ ई सी ओ फाइव, इसका निकालना है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, फाइव, डेंसिटी कितनी है, जस्ट बताया था कि कार्बोनिल एक मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड है, तो डेंसिटी कितनी होगी, वन, तो कितना हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव। अब कोऑर्डिनेशन नंबर दो वाला को एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर फाइव, ए जी एनएस थ्री ट्वाइज सीएल, देखिए एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में इनसाइड AgNH3 ट्वाइस NCl। इसका देखो इसमें आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और काउंटर आयन भी प्रेजेंस है, लेकिन हमें क्या है ओनली नंबर ऑफ लिगेंड्स को देखना, डेंसिटी देखनी है। तो अपने पास इसमें क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम कौन है, Ag लगा दिया Ag। उसके बाद क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, तो लिगेंड कहां मिलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो सर नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए, दो, दो लगा दिया हमने। उसके बाद डेंसिटी कितनी है, तो NH3 में पता है मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड में आता है, हमें पूरा बोलना है, लेकिन लिखना क्या है ओनली कैसे है, डेंटेड मोनो, तो वन लगा दिया, तो कितने आ गए सब, दो। ओके कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको पीडीएफ फाइल में दूंगा, उसे सॉल्व करना आप लोग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक,